अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास फैक्ट्री के अंदर। पाकिस्तान में सबसे पहले 1984 में ये खालिस और हाइजेनिक दूध को पैकेज फॉर्म में लेकर आए। मैं बात कर रहा हूँ हलीब फूड्स की। हलीब अरबी जबान में दूध को कहते हैं और दूध एक मुकम्मल गिज़ा है, इसीलिए पूरी दुनिया में इंसानों की बुनियादी गिज़ा का एक अहम हिस्सा है। दूध से ना सिर्फ मज़ेदार खाने स्वीट डिशेस बनती हैं बल्कि इसकी बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो देसी घी हो, मक्खन हो या फिर चीज़ हो। इंटरेस्टिंगली हलीब इस फैक्ट्री के अंदर ये तमाम तर बाय प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहा है और ना सिर्फ हाइजेनिक बैक्टीरिया फ्री पैकेज खालिस दूध और इसकी बाय प्रोडक्ट्स पाकिस्तान भर में सप्लाई कर रहा है, बल्कि इंटरेस्टिंगली विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो हलीब में किस तरह मिल्क कलेक्शन होती है, इसको प्रोसेस किया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम करेंगे डिस्कवर। तो आइए मेरे साथ। It's time to meet the people behind Haleeb Foods Limited, जो पाकिस्तान में सबसे पहले पैकेज मिल्क का कॉन्सेप्ट लेकर आए और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनके CEO और MD मिस्टर सैयद मज़हर इकबाल और उनके साथ डायरेक्टर ऑपरेशंस Haleeb Foods Limited मिस्टर फैसल निसार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सलमान। थैंक यू, प्लेजर टू सी यू हियर। एज यू सेड हम पायनियर हैं डेयरी इंडस्ट्री के पाकिस्तान में और वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस UHT मिल्क इन पाकिस्तान एंड आई एम ग्लैड टू हैव अ चैनल विच इज़ ऑल्सो अ पायनियर इन पाकिस्तान प्रोवाइडिंग देयर व्यूअर्स ए गुड सीनिक ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज लोकल कॉरपोरेट्स के बारे में आप बताते हैं। दो वी आर वेरी ओल्ड, स्टार्टेड इन 1984 एंड यू आर वेरी यंग, जस्ट 3 years कम्प्लीटेड, बट माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि जो ब्राइटर साइड है पाकिस्तान की वो दिखाई जाए और आप लोग हमारा फ़ख्र हैं और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनाकर बाहर एक्सपोर्ट भी करें। बट सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसकी लेगेसी के बारे में बताइएगा, ये किस तरीके से जहन में आया कि पाकिस्तान के अंदर पैकेज्ड मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इट वॉज वे बैक इन 1984। द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यंग एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम विच थॉट अबाउट इट के दूध तो बहुत प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में दूध की प्रोडक्शन पंजाब में कंसनट्रेटेड है, सिंध या NWFP में बहुत कम होती है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या किया जाए कि लोगों को दूध ईजीली मिले और अच्छी क्वालिटी का मिले। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि दुनिया में चूंकि एक UHT मिल्क का कॉन्सेप्ट है वेयर फ्रेश मिल्क को प्रिजर्व कर लिया जाता है एंड इट गिव फॉर अ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 90 days to 120 days, तो ये सोच रखते हुए फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा हलीब फूड्स ने UHT प्लांट लगाया ताकि थ्रू आउट पाकिस्तान लोगों को खालिस प्योर हाइजेनिक मिल्क मिल सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जर्नी इसी तरीके से जारी भी है। स्टार्टेड इन 1984, अब हम इट्स अ कंप्लीट डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द सेंस के हम प्लेन वाइट मिल्क भी बनाते हैं, हम फैट्स जिसमें के घी बटर और क्रीम्स हैं वो भी बनाते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं, इसके अलावा जूसेस भी बनाते हैं, ना सिर्फ लोकली बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं फार ऑफ लाइक US कैनेडा हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इसकी बाय प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है बाहर मुख्तलिफ मालिक में एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, जो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक है, जहां अगर अमेरिका और यूरोप अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ वी टॉक टू द यंग फेस ऑफ द कंपनी डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर फैसल निसार। तो फैसल भाई ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, बाज़ाहिर देखने में तो लगता है कि जी बड़ा आसान है, दूध आपने लिया पैक किया, बट क्या चैलेंजेस हैं इस बिज़नेस के अंदर? देखें सलमान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू हेयर टू हलीब फूड लिमिटेड। थैंक यू। एज मदर साहब हैज़ राइटली सेड, वी आर द पायनियर्स, वी स्टार्टेड इन 1984 एंड वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड 4 decades ऑफ सर्विस टू दिस कंट्री एंड टू दिस नेशन। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक तीसरी जनरेशन जवान हो रही है पाकिस्तान में हलीब की प्रोडक्ट्स यूज़ करते करते। लेकिन बिफोर आई टेक यू टू आर जर्नी, आप थोड़ा सा पाकिस्तान के डायनेमिक्स को समझना चाहेंगे
क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है ना जी, मेड इन पाकिस्तान, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे पाकिस्तान के डायनेमिक्स क्या हैं। डेयरी इंडस्ट्री जो है इस टाइम विद ऑल इट्स लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 12% ऑफ नेशनल GDP। वाओ, दिस इज़ रिमार्केबल थिंग, बट इट कैन गो वे बियॉन्ड दिस जी। इस टाइम पाकिस्तान में जो दूध की कंजम्पशन है पर इंडिविजुअल, आई वुड से दैट इज़ अराउंड 190 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर। इट इज़ दी सेकेंड हाइएस्ट कंजम्पशन ऑफ अ फूड कमोडिटी आफ्टर सीरियल। लेकिन इसमें, और हम क्लेम करते हैं कि हमारा मुल्क इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड विद ऑलमोस्ट 60 billion लीटर्स पर एनम। वाओ, लेकिन इसके चैलेंजेस हमारे ग्रास रूट से ही शुरू हो जाते हैं। जब आप फार्मर्स की बात करते हैं तो वी हैव अ वेरी डाइवर्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ इन द कंट्री। फिर हमारे फार्म्स होल्डिंग, लैंड होल्डिंग्स के इश्यूज़ हैं, स्कैटर्ड फार्मिंग है। इस दूध को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत दरकार होती है, और जब ये इकट्ठा टाइमली नहीं होता और प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर्स के पास, इंडस्ट्री के पास नहीं आता, तो वी एंड अप वेस्टिंग ऑलमोस्ट 15% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आई सी, दैट्स अ डायलमा फॉर द कंट्री, दैट्स अ डायलमा फॉर द पर्सन सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, कि ये वो सेक्टर है कि इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इट कैन ब्रिंग लॉरल्स टू द कंट्री। जो इस टाइम हम एक ट्रेड इम्बैलेंस में चल रहे हैं, दैट कैन बी फिक्स्ड ओनली विद पैट्रनाइजिंग द डेयरी एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो होता ये है कि हम जिस तरह अब हमारा ये जो प्लांट है भाई फेरू का, वी आर इन काइंड ऑफ सेंट्रल पंजाब हम सिचुएटेड हैं। इसके अराउंड हमने प्रॉक्सिमिटी में मिल्क कलेक्शन सेंटर्स बनाए होते हैं, क्योंकि दूध इज़ आर रेस अगेंस्ट टाइम। दूध जब मिल्किंग के वक्त इट इज़ एट अराउंड 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद होता यह है कि इसको आपने इमीडिएटली कोल्ड चेन में चिलिंग के प्रोसेस में डालना होता है। नहीं डलेगा, एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी पेरिशेबल एंड इट इज़ प्रोन टू बैक्टीरियल कंटेमिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एट अ वेरी फास्ट पेस। तो हमारा सेटअप होता है दूर देहात के इलाकों में, दूर दराज देहात में हमने सेटअप लगाया होता है, वहाँ से हम दूध इकट्ठा करते हैं उधर ही। और जब हम इकट्ठा कर रहे होते हैं, इट्स नॉट द कलेक्शन अलोन जी, उसके टेस्टिंग और सारे पैरामीटर्स वहाँ चेक हो रहे होते हैं। उसके बाद वो दूध कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो व्हीकल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर वो मेन कलेक्शन सेंटर्स में आता है। इट्स अ टू स्टेप थिंग जी, वहाँ से सब सेंटर से मेन कलेक्शन सेंटर्स, वहाँ वो दोबारा रीचेल होगा, उसकी दोबारा एक न्यू सेट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी। एंड बिलीव यू मी, दिस टेस्टिंग इज़ अ वेरी हाई कॉस्ट टू द कंपनी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे मुल्क में बहुत सारी मिथ्स चल रही हैं विद रिगार्ड्स टू द पैकेज इंडस्ट्री, एंड टू योर सरप्राइज द एंटायर पैकेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट 6% ऑफ द मिल्क मार्केट ऑफ दिस कंट्री। ओनली 6% विद ऑल द प्लेयर्स इंक्लूडेड, जो सारा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जो टैक्स पेइंग सेक्टर है, दैट इज़ ओनली 6% ऑफ द कंट्री। जी, तो उसकी क्या वजह है, वैसे क्या फ़र्क है एक आम दूध में और एक पैकेज मिल्क में? देखिए, दूध तो दूध है, एट सोर्स दूध इज़ दूध, लेकिन उसकी हैंडलिंग जो है दैट मैटर्स द मोस्ट जी। यानी दूध को जब हीट शॉक लगेगा, दैट मिल्क इज़ गॉन। हो सकता है कि वो आपके सामने फट के नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कंटेमिनेंट्स ऐड हो जाते हैं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है उसकी टेम्परेचर के साथ साथ। फिर अक्सर लोग बीच में, आप गाँव के देहातों के स्केल पे देखें तो बर्फ़ से उसको चिल कर रहे होते हैं। देखें, बर्फ़ से चिल तो वो हो जाएगा, टाइम तो गेन कर लेगा, लेकिन बर्फ़ उसके अंदर अपना सोडियम ऐड कर देगी। उसके बाद उसके अंदर और जो टाइम बाय करते जा रहे हैं उसके अंदर ख़राबी तो पैदा हो रही है। फिर उसके अंदर दूध के अंदर एफ्लाटॉक्सिन होते हैं, जो जानवरों को फीड खिलाई जाती है, जो उनको जो भी चारा दिया जाएगा। अक्सर आप गांव देहात में देखेंगे कि चारे का कॉन्सेप्ट कम है, वो रोटी टुकर उन्होंने साइड पे रखी होती है, एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि यार ये बची बची रोटियां और ये चीज़ें हैं ये जानवर को डाल दो, जानवर तो खा लेगा। हाँ। लेकिन जो वो खाएगा उसके दूध में वही चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अगर उसमें एफ्लाटॉक्सिन होंगे, फंगस कंटेमिनेशन होगी, तो आप फंगस ज़दा दूध ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेयर The packaged industry comes into play. और जितना human involvement होगा उतना bacteria जितना हाथ लगेगा, हमारे human intervention is zero. It is almost negligible. Milking parlors हैं, automated machines हैं. That is how we do the milking. और बगैर हाथ लगाए, बगैर contaminant, कोई additive add किए बगैर हम दूध को अपने plant पे लेके आते हैं। और यहाँ जब आ जाता है, फिर उसके बाद एक new set of
प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। दीज आर फॉलोड वर्ल्ड वाइड, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, चाहे आप फार ईस्ट गल्फ जिधर भी चले जाएं, दीज आर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हम फॉलो करते हैं। जिस तरह मदर साहब ने आपको बताया कि हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट अगर हम यूएस कनाडा कर रहे हैं तो उधर एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बड़ी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स के साथ चल रही होती है, स्ट्रिक्टली, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो उधर हमने वी हैव ऑल दोज लाइसेंसेज इन प्लेस, वी आर सर्टिफाइड विद देम एंड आर प्रोडक्ट्स आर बीइंग शिप्ड टू द यूएस ऑन बोथ कोस्ट, एवरीवेयर वी आर देयर जी। माशाल्लाह। अच्छा, अगर दूध को देखा जाए तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लोग जो है इसको कंज्यूम करते हैं, बहुत इसमें गजाइयत है और बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। इसकी बाय प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं, आप लोग बाय प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर देखा जाए पाकिस्तान को या पूरी दुनिया के हिसाब लगाएं तो कितना बड़ा आपको लगता है ये सेक्टर है, पाकिस्तान का इसमें कितना हिस्सा है और किस तरह हम एक्सेल कर सकते हैं? देखिए, ये जो है ना, सिंस पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री अकाउंट फॉर हो रहा है, लेकिन आपके साथ इंडिया बैठा हुआ है। अमूल एक केस स्टडी है जो कि दुनिया में पढ़ाई जाती है। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने दे लर्नड देयर लेसन, ये सदर्न अमेरिका चले जाएं आप टर्की चले जाएं, मिड 80s तक वो भी यही लूज मिल्क, ग्वाला डोर स्टेप पर डिलीवरी, दैट इज़ अ कन्वीनियंस, नोबडी कैन डिनाई दैट, दैट्स अ कन्वीनियंस, लेकिन व्हाट आर यू गेटिंग एट दी कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस? यानी हम पानी बोतल वाला पीना पसंद करते हैं लेकिन हम दूध कहते हैं कि हम खुला ले लेते हैं। तो दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन जो कि इस कॉम को समझना पड़ेगा कि हम वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट आर प्रोडक्ट्स, अल्लाह का शुक्र है वो बिक रही हैं, वी आर सेलिंग, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो वो एक स्टंटेड ग्रोथ वाला, कंप्रोमाइज्ड वेलबींग वाला, न्यूट्रिशन लेस चीज़ें कंज्यूम करना, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, वी हैव टू शन दैट आउट जी। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी GDP डेयरी एंड लाइफ स्टॉक पर खड़ी हुई है, छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि इसी ट्रेड को लेके पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। न्यूजीलैंड की आप एग्जांपल ले लें, और पाकिस्तान में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो डेयरी के जरिए, पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह इट इज़ ब्लेस्ड, जितना इधर लाइफ स्टॉक का काउंट है, जितना इधर दूध की प्रोडक्शन है, वी आर ब्लेस्ड विद अ लिटिल टैपिंग दिस कैन गो बियॉन्ड द रूफ जी। हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं, हम फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड का सोर्स बन रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ बेचने पे लगे हुए हैं, हम जहाँ से ख़रीद रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ काइंड ऑफ अ CSR वी आर डूइंग टू द कंट्री। अगर हम वो दूध नहीं उठाएंगे तो दूध किधर जाएगा, दैट विल बी स्पॉइल्ड, वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम तो एक पूरा सेटअप 360 का चेंज चला के लेके आते हैं यहाँ तक के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध से फ़ायदा उठाया जाए, ताकि दूध से फ़ायदा उठाया जा सके, और ये फ़ायदा हम पास ऑन करना चाहते हैं कंज्यूमर्स को। लेकिन कंज्यूमर्स की वो फैक्ट्स एंड फिक्शन के बीच में अभी तक जो कन्फ्यूजन है, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग द कॉज। आप इसी वजह से सुनते हैं कि पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ के बड़े इशू हैं, एक तो बच्चे पीते नहीं हैं दूध आजकल, और दूसरे जो पीते हैं खुले दूध में बहुत सी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, ऐसे ही जानबूझ के या ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, जब वो शहर में तो नहीं है सारी गाय भैंसें, वो गांव से चल के आ रही है, तो उस पीरियड में अगर उसको सही से चिल करके हाइजेनिकली नहीं स्टोर किया जाएगा तो वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो फैसल साहब, आज के दौर के अंदर जो है इंडस्ट्री में ख़ासतौर पर CSR एक्टिविटीज़ पे बहुत बात होती है, सस्टेनेबिलिटी पे काम किया जाता है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को भी सेव करें, उसके लिए हलीब क्या कर रहा है? देखें, इट्स अ कलेक्टिव थिंग, हलीब अपनी कम्युनिटी पे जितना बेहतर तरीके से असरअंदाज हो सकता है, वी आर प्लेइंग आर पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेवल पे भी इनिशिएट किए गए, जिसमें एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट से वाटर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया, वी वर पार्ट ऑफ दैट जी, वी प्लेड आर पार्ट, हमारी जितनी वाटर वेस्टेजेस थी वी प्लग दैट, और ये आपने हमारे फैक्ट्री में जब दाखिल हुए होंगे तो आपने हमारे लश ग्रीन लॉन्स देखे होंगे, यू विल बी हैप्पी टू नो कि इनमें सारा रीप्रोसेस्ड वाटर जा रहा है, हम कोई फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे, ये सारा रीप्रोसेस्ड वाटर है जो जा रहा है। फिर वाटर कंजर्वेशन से चले थे ट्री प्लांटेशन पे गए, हमने कोई पिछले 1-1.5 साल में कोई 1500 से 2000 दरख्त प्लांट किए इधर, वेरी नाइस, और वी मेक श्योर के वी आर क्लीन एंड वी आर ग्रीन। तो ये हमारे पानी एक चीज़ एक कुदरती नेमत है, अगेन ये डिप्लीट हो रहा है, इट्स अ डिप्लीटिंग रिसोर्स इन द वर्ल्ड, तो इसको कंजर्व किया, ट्री प्लांटेशन की तरफ गए, ये हो गए हमारे एनवायरमेंटल जो इनिशिएटिव्स हैं, और इसके अलावा बेशुमार हैं। तो इसके बाद अगर आप चले जाते हैं लोकल कम्युनिटी की तरफ,
तो हम एक बड़े नॉमिनल सी यानी कंप्रोमाइज किस्म की कम्युनिटी में प्लेस्ड हैं। भाई फेरू इज़ अ स्मॉल टाउन जी, इसका नया नाम भी फूलनगर रख दिया गया है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तो वो इट्स अ कंप्रोमाइज काइंड ऑफ अ टाउन विद अ लो स्टैंडर्ड ऑफ इनकम एंड वेज। तो हमारे पास जितनी इधर डेली वेजर्स या मजदूर या लेबर आते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दी लोकल वेसिनिटी जी। कोई बंदा हम कहीं से आउटसाइड से नहीं रखते, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसके बाद फिर जो गवर्नमेंट लेवल पे इधर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जिस तरह अभी हमारे साथ पतोकी है, पतोकी में एक स्कूल बना रहे थे गवर्नमेंट वाले, वी कंट्रीब्यूटेड हैविली इन दैट जी। वेरी नाइस। इस तरह इधर रमज़ान बाजार लगते हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ दोज रमज़ान बाजार, ताकि हम अपने कंप्रोमाइज्ड मैसेज को जो बेनिफिट दे सकते हैं वी डू दैट। फ्लड रिलीफ हो जाए उसमें वी आर पार्ट, अर्थक्वेक रिलीफ हो जाए, जो कोई नेचुरल कलामिटी या कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए तो वी आर ऑलवेज देयर जी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के स्कूलों में दूध हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पूरे साल के लिए हमने स्कूल अडॉप्ट किए, ताकि बच्चे जो हैं हमारे दे शुड गेट देयर हैंड्स ऑन दी गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड जी। क्योंकि अगर हमारे पास प्रिविलेज क्लास वो चीज़ें इंजॉय कर रही है, तो वी बिलीव कि ये कंप्रोमाइज जो क्लास है उनके पास भी यही चीज़ें जानी चाहिए। तो वी वर देयर जी, वी आर एवरीवेयर। 40 साल में बहुत इनिशिएटिव लिए गए हैं। माशाल्लाह। ये तो टू नेम अ फ्यू जो मेरे ज़हन में आए, इमीडिएटली क्लिक किए वो विच आई हैव टोल्ड यू जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आप अच्छे तरीके से सोसाइटी का भी ख्याल रख रहे हैं, कम्युनिटी का भी ख्याल रख रहे हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कोई खास एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। सर देखें, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए तो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स का, विच इज़ ऑलवेज बिजी इन आइडेंटिफाइंग दी वेज एंड मीन्स जिससे हम स्टाफ की एंगेजमेंट, उनकी मोटिवेशन और उनकी प्रोग्रेशन का ख्याल रख सकें। दैट्स अ गिवन थिंग। लेकिन इसके बियॉन्ड सोचना जो है कम्युनिटी की तरफ जाना, हम तो उनको वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स जी। तो ये तो एम्प्लॉय तो हमारा एसेट है बेसिकली। एम्प्लॉय के बगैर तो नो कंपनी कैन थिंक ऑफ प्रोग्रेसिंग और प्रॉस्परिंग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉय जी। दैट्स ग्रेट। आखिर में आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई से नई चीज़ें जो है वो आ रही हैं, तो आप लोगों के क्या फ्यूचर प्लान है? ख़ासतौर पर हलीब को आप कहाँ देखते हैं अगले 5-10 साल के अंदर? देखें, दो चीज़ें जी। इन अ नट शेल आई वुड लाइक टू रैप अप आवर डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन हेयर। आपने पहले पूछा था कि डेयरी इंडस्ट्री को ग्रूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए इट हैज़ टू बी अ ट्राईपार्टाइट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, जिसमें एक पार्टी हैज़ टू बी दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द फार्मर। इफ़ दीज थ्री कैन फॉर्म एन अलायंस, स्काई इज़ द लिमिट। ये आपके एक सवाल का जवाब है, और इसमें गवर्नमेंट ने कुछ वर्किंग की भी है। SIFC इस टाइम बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल चल रही है, दे आर हॉवरिंग अराउंड द कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी तक वो बुल्स आई को हिट नहीं कर रहे। तो दे हैव टू डू दैट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जहाँ तक हलीब का ताल्लुक है, 1984 में शुरू हुआ, जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी वहाँ से शुरू हुए, आज हम 40 साल का सफ़र तय कर चुके हैं। वी आर स्टेइंग अहेड ऑफ टाइम जी। यानी हलीब इज़ अ लेगेसी कंपनी विच हैज़ ऑलवेज स्टेड अहेड ऑफ टाइम। तो हमने जो इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट्स प्रोसेस में, इक्विपमेंट में एफिशिएंसीज ड्रॉ कर सकते थे, वो आप सब देखेंगे जब हम आपको विजिट पे लेके जाएंगे। यू विल बी प्लीज टू सी कि जो दुनिया में इक्विपमेंट, प्रोसेस, मशीनरी लगी हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, वो सारा इन प्लेस है। दिस इज जस्ट टू इंश्योर एंड कमिट टू आवर पीपल ऑफ पाकिस्तान that we are a responsible company and we believe in health and wellness of each and every individual of this country. Mashallah, mashallah. Aur main dekh raha hu packaging mein bhi aap waqt ke sath sath jo hai ye bilkul aise hi hota hai sir, ki yani ek wo jaise jaise development hoti jati hai, insaan evolve karta jata hai, market ki choices, market ka pattern badalta jata hai, consumer ki choices badalti jati hain, to you also have to take into account the consumer as well. Iske bagair to you can't survive. Upstream mein agar aap jayenge to consumer is the first thing. Uski choices, preferences, aur jitni logon ko pichle kuch saalon mein global awareness aa chuki hai, to we have to stay on top of the things. Bilkul aap sahi keh rahe hain, aur har guzarte din ke saath jo hai ab hum चैलेंजेस इतना बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से आपने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि मिल के जो है पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जाए, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपना काम जो है वो करें। बहुत शुक्रिया फैसल निसार साहब, थैंक यू वेरी मच मदर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बिलाशुबा मेरी तरह तमाम व्यूअर्स भी एक्साइटेड होंगे कि जाके देखें हलीब फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, इसकी बाय प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और किस तरह हिफ्जान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक खालिस और हाइजेनिक दूध जो है वो फराहम किया जा रहा है। ये सब प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे लेना एक ब्रेक,
आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। अपने लैब्स के अंदर सबसे पहले 34 मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के होते हैं, जिनका पर्पज़ क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी ऑफ द रॉ मिल्क उसको इंश्योर करना होता है। अच्छा, वेरी नाइस। 34 मुख्तलिफ टेस्ट। 34 मुख्तलिफ टेस्ट। पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपको बड़े और छोटे डेयरी फार्म्स देखने को मिलेंगे, और इस वक्त जिस डेयरी फार्म में मैं मौजूद हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्नाइज्ड डेयरी फार्म, और हलीफ फूड लिमिटेड इस डेयरी फार्म से मिल्क कलेक्ट करती है, सोर्स करती है। कितने बड़े लेवल पर ये मिल्क की कलेक्शन करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, और किस तरीके से ये बैक्टीरिया फ्री हाइजेनिक मिल्क जो है अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनके मिल्क कलेक्शन के मैकेनिज्म को, और उसको समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हनी फूड लिमिटेड के हेड ऑफ मिल्क कलेक्शन एंड डेयरी सर्विसेज डॉक्टर इमदाद अली दाऊद पोता। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितने बड़े लेवल पर जो है यहाँ से मिल्क कलेक्शन हो रही है, और बड़ा ही साफ सुथरा और मॉडर्नाइज सा डेयरी फार्म है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कितने डेयरी फार्म्स हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई 24 करोड़ के लगभग है, और मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, चूँकि पाकिस्तान में एक बेसिक सी चीज़ है कि जनाब लोकल ब्रीड हमारे पास इसकी पैदावारी सलाहियत इतनी नहीं है, तो फिर इस तरह ही सोचा गया प्राइवेट सेक्टर में कि जी एग्जॉटिक ब्रीड लेकर आई जाए जिसमें ऑस्ट्रेलियन डच एनिमल्स हैं। तो अब जहाँ तक बात आती है हमारी मिल्क कलेक्शन की और सोर्सिंग की, हमारे पास कोई इस वक्त 5 से 7 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं, कोई 5000 ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, और उनमें से एक फार्म ये भी है हमारे पास जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहाँ इनके पास कोई 800 एनिमल्स मिल्किंग एनिमल्स हैं। और यहाँ तक लाने का मकसद ये था कि दरवाजे खोले जाएं और आपको एट सोर्स पे ले जाया जा सके कि मिल्क कलेक्शन किस तरह होती है और एनिमल क्या है, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या है उस मिल्क की। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि हर जानवर के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, तो ट्रेसेबिलिटी और इन तमाम से चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप किस तरीके से अश्योर करते हैं कि जहाँ से आप मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, जानवर की सेहत का ख्याल रखा जाए? देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एनिमल की सिलेक्शन, ठीक है ब्रीड क्या है, ठीक है, दूसरा उसकी हेल्थ, ठीक है। इनको मेक श्योर करने के लिए पूरा आपने ये टैग नंबर देखा होगा सिस्टम में फीड होता है। अच्छा, इनकी हेल्थ मैनेजमेंट क्या है और इसकी हिस्ट्री आ रही होती है कि जनाब इसकी मदर फादर्स क्या थे। दूसरा, जहाँ तक मिल्क की क्वालिटी की बात है, उसमें बुनियादी आंसर इसकी फीड का है। जो आप देख रहे हैं ये जानवर, ये सब फीड इन्हें दी गई है, और इसमें ये टोटल मिक्स राशन है, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल किए, बैलेंस किया गया है इसको। अच्छा। ताकि यील्ड को इम्प्रूव किया जा सके और मेंटेन भी किया जा सके, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बाज़ औक़ात ये होता है पाकिस्तान में चैलेंजिंग इनके लिए, जिसके लिए ये शेड बनाए गए ताकि इनको काउ कम्फर्ट के लिए भी काम किया जा सके और ये अपनी पैदावार बरकरार रखें। अच्छा, ये तो हो गया कि आप इसकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हर एक अलग अलग डेटा जो है वो मेनटेन करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमें शेड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपनी जो है आप इनको फीड दे रहे हैं, तो इनके मिल्किंग का कैसे प्रोसेस होता है और यहाँ पर क्या क्या किन किन चीज़ों को किस किस प्रोसेस से गुजर के जो है मिल्क सोर्स किया जाता है? देखिए, इसमें कैटेगरीज होती है एनिमल की, जिस तरह हम लोग इस शेड में हैं ये मिल्किंग एनिमल्स का शेड है, ठीक है। इसके साथ आप देख रहे होंगे बराबर में जो कि काफ सेक्शन भी है, फिर आपको हेफर सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ से एनिमल फीडिंग के बाद किस तरह चल के मिल्किंग पार्लर पे जाता है और वहाँ पे किस तरह उसका मिल्क जो है वो कलेक्ट होता है, मिल्किंग होती है, अनटच ह्यूमन जो है वो उसमें बिल्कुल हाइजेनिकली सेफ तरीके से। अच्छा जी जी, उसे चिलिंग टैंक में मुंतकिल किया जाता है और फिर उससे टैंकर में, देन फिर प्लांट पे वो प्रोसेस के लिए भेज दिया। लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मशीन्स इससे बैक्टीरियल काउंट, क्योंकि जब
ह्यूमन एयर हैंड उसमें टच होगा तो यकीनन कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ठीक है, तो हमने उससे कम से कम रखना होता है। बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। और ये जान के कि कितने अच्छे तरीके से आप बड़ा सिस्टमेटिकली एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के जरिए ये मिल्क कलेक्शन करते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके बाद जब ये फैक्ट्री में जाता है तो फिर इसका क्वालिटी चेक दोबारा से होता है, बहुत से पैरामीटर्स को देखा जाता है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और किस तरीके से फिर एक खालिस दूध को प्रिजर्व किया जाता है टेट्रा पैक के अंदर और हम तक पहुँचाया जाता है, आगे चल के हम आपको फैक्ट्री में दिखाते हैं। कलेक्शन सेंटर में हनी फूड्स लिमिटेड किस तरीके से दूध इकट्ठा करता है ये आपने देखा और मेरे गेटअप से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं हनी फूड्स लिमिटेड की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री के अंदर और सबसे पहले आपको गुजरना होता है क्वालिटी लैब से। जो भी दूध मुख्तलिफ कलेक्शन सेंटर से आता है पहले क्वालिटी लैब उसको अप्रूव करती है और यहाँ पर इनके पास वेल इक्विप्ड क्वालिटी लैब है जहाँ पर क्वालिफाइड फूड टेक्नोलॉजीज दूध का बगौर जायजा लेते हैं और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके हेड ऑफ क्वालिटी लैब हाफिज जफर इकबाल साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन मराहिल से ये गुजार के दूध को जांचते हैं। अस्सलामुअलैकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आप वेल इक्विप्ड हैं, बड़ी बेहतरीन लैब है, लेकिन हमारे नाज़रीन को बताइएगा कौन कौन से आप क्वालिटी कंट्रोल्स जो हैं वो चेक करते हैं, किस तरीके से आप अश्योर करते हैं कि दूध जो है खालिस है और ये इंसानी सेहत के लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। जी बहुत शुक्रिया। हनी फूड्स की लैब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर्टिफाइड है, जिसमें लैब के रिलेटेड अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ISO 17025 जिसका 2017 रिवीजन इम्प्लीमेंटेड है उसके ऊपर हमारी लैब एक्रीडिटेड है और ये लैब पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल के सर्टिफिकेशन के मुताबिक इसके पास सर्टिफिकेट नंबर 182 मौजूद है। वेरी नाइस। हमारे लैब के अंदर जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या ISO टेस्ट मेथड के मुताबिक होते हैं और हम अपने लैब्स के अंदर सबसे पहले 34 मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के होते हैं जिनका पर्पज़ क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी ऑफ द रॉ मिल्क उसको इंश्योर करना होता है। अच्छा, 34 मुख्तलिफ टेस्ट। इसमें से अगर हम सेपरेट करें तो 12 टेस्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हम फूड के अंदर जो अडल्ट्रेशन हो सकती है, रॉ मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन हो सकती है उसको सिर्फ हम चेक करते हैं और बाकी टेस्ट जो है वो उस रॉ मिल्क की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए किए जाते हैं। और अगर आपके मेयार के मुताबिक दूध ना उतरे फिर उसके साथ क्या करते हैं? जी, हमारा जो कंपनी का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का स्टैंडर्ड है और पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड है उन सबको कंबाइन करके एक हनी फूड्स का क्वालिटी नॉर्म्स डिफाइन किया जाता है। उस नॉर्म के ऊपर अगर दूध पूरा नहीं उतरता तो हम उस गाड़ी को रिजेक्ट कर देते हैं और वो गाड़ी ड्रेन कर दी जाती है। आई सी, यानी कि हिफ्जान सेहत के उसूलों पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज? जी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो और जो कस्टमर हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट हर डब्बे के अंदर उन तक पहुंचे। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये एंट्रेंस पे और उसके बाद जो दरमियान में प्रोडक्शन के दौरान भी आप क्वालिटी को चेक करते रहते हैं? जी, हमारी जो क्वालिटी टीम है वो रॉ मिल्क सेंटर से स्टार्ट करती है टेस्टिंग का प्रोसेस। जब प्लांट पे वो दूध पहुंचता है तो मिल्क स्क्रीनिंग लैब जिसमें हम खड़े हैं इसके अंदर उस टेस्टिंग को फर्दर लेके चला जाता है। जब मिल्क जहाँ से अप्रूव्ड हो जाता है तो उसकी रिसेप्शन की जाती है। रिसेप्शन के बाद हमारे पास प्रोसेस मॉनिटरिंग की लैब है जो प्रोसेस के दौरान जितने भी क्वालिटी फूड सेफ्टी और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी प्रोसेस मॉनिटरिंग करती है और उस दौरान अगर कोई भी बैच उन क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट नहीं करता
तो उसका डिस्पोजिशन डिसाइड करती है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि किस हद तक जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सही मानों में क्वालिटी को अश्योर किया जाता है कि खालिस और हाइजेनिक दूध जो है, बैक्टीरिया फ्री दूध आप तक पहुँचे ताकि आप और हम अपने बच्चों को भी वो दूध पिला सकें। सो आगे हम आपको लेके चलते हैं इनके प्लांट के अंदर, जहाँ पे सारा पैस्टराइजेशन का और UHT अल्ट्रा हीट का प्रोसेस होता है, वो किस तरह किया जाता है, आइए वो देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हलीब फूड्स लिमिटेड के प्लांट के अंदर और आप देख सकते हैं किस तरह लेटेस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए ये दूध को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि क्वालिटी लैब जहां पर तमाम तर क्वालिटी चेक होता है, जो भी दूध कंटेनर की सूरत में आता है रेड कलर की एक सील अप्लाई की गई होती है। ये सील इसलिए अप्लाई की गई होती है ताकि रस्ते में किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन दूध में ना डाली जा सके। जो भी दूध रिसीव होता है क्वालिटी लैब से, सबसे पहले ऑटोमेटिकली पाइप्स के ज़रिए उसको शिफ्ट किया जाता है साइलोज़ में। बड़े बड़े साइलोज़ यहाँ पर हलीब की फैक्ट्री में लगाए गए हैं। तकरीबन 3 लाख लीटर दूध ये स्टोर कर सकते हैं, इनके पास की कैपेसिटी है। और फिर इंटरनल पाइपिंग के ज़रिए उस दूध को शिफ्ट किया जाता है इस पैस्टराइजेशन यूनिट में। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीन्स जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। अच्छा, इस पैस्टराइजेशन यूनिट में क्या होता है, सबसे पहले दूध को 16 सेकंड के अंदर 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पाइथोजन ऐसे जरासीम जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, उन तमाम तर जरासीम को, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म किया जाता है और फिर दूध को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद उसी दूध को ये मशीन आपस में कनेक्टेड है, एक होमोजनाइज़र मशीन के अंदर जो है शिफ्ट किया जाता है। होमोजनाइज़र क्या करती है, वो दूध के अंदर जो बलाई है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि जब भी हम डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के हलीब का, तो एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि इसमें बलाई नहीं आ रही, इसको हमने गर्म किया। उसकी वजह ये है कि होमोजनाइज़र के ज़रिए उसकी फैट को, बलाई को पूरे दूध के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तभी आप हर घूट में जो है भरपूर गज़ाइत जो है वो ले सकते हैं, उसको प्रॉपर उसके टेस्ट को इन्जॉय कर सकते हैं। होमोजनाइज़र के प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली इन पाइप्स के ज़रिए जो है इसको अगले सेक्शन में, एक अगले यूनिट में, जहाँ पर UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, वो किया जाता है। वो कैसे, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। ये प्रोडक्ट्स, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राइड है। और जितना मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। पैस्टराइजेशन के बाद अब हम आ चुके हैं UHT हॉल के अंदर और यहाँ पर मशीन्स का शोर इतना ज़्यादा है, सो नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर प्लग्स या ईयर पॉप्स को मैंने पहने हुए हैं ताकि शोर जो है वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब मत करे। अच्छा, यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स, यॉपियन मशीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जिसका हमने आपको पैस्टराइजेशन हॉल में दिखाया था। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए खालिस ताज़ा हाइजेनिक दूध जो है UHT हॉल के अंदर आता है। और यहाँ पर जो ये मशीन चल रही है, ये बेसिकली करती क्या है, ये दूध को तकरीबन 2 से 3 सेकंड में 140 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देती हैं और फिर उसके बाद उसको फौरन ठंडा करती हैं। तो जितने भी जरासीम जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है और दूध को भी ख़राब कर सकते हैं, वो तमाम तर जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे पहले दूध होमोजनाइज हो चुका था, बलाई जो है वो सारी की सारी डिस्पर्स हो चुकी, और यहाँ पर दूध को और ज़्यादा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है UHT की, जिसके ज़रिए जो है दूध को साफ़ कर दिया जाता है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये PLC सिस्टम के ज़रिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कंट्रोल रूम है और इस कंट्रोल रूम के अंदर मशीन्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस और ये बड़ा ही, आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट जो है इन्होंने लगाया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया है सारा प्रोसेस हो रहा है। सो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के बाद
हाइजेनिक और खालिस दूध तैयार हो गया और अब इस दूध को जो है पैक किया जाता है। तो पैकिंग के मुख्तलिफ पैकेजिंग मटीरियल्स हैं, किस तरीके से ये अपनी प्रोडक्ट को पैक करते हैं आगे चल के आप आपको वो दिखा रहे हैं। प्रोसेस के बाद जरासीम से पाक दूध को स्टेरल पैकिंग के अंदर फिल किया जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं हलीफ फूड्स लिमिटेड के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर दो किस्म की पैकेजिंग ये करते हैं, एक तो टेट्रा पैक और दूसरा इकोलीन। अच्छा, ये दोनों पैकिंग जो है ये स्टेराइल हैं, जो दूध होता है वो भी एसेप्टिक होता है, उसमें किसी किस्म का कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं होता। जितना कि हमने आपको दिखाया क्लोज इन्वायरमेंट में सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली जो है ये सारा का सारा दूध या जूस जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है वो इस पैकिंग सेक्शन के अंदर आता है। और ये पैकिंग सेक्शन जो हैं यहाँ पर भी लेटेस्ट यूरोपियन मशीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये मशीन लगी हुई हैं जिनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट इसमें फिल होती है बल्कि साथ ही साथ आगे प्रोसेस होकर जब पैकिंग होती है तो उस पर मैनुफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच, तमाम तरह चीज़ें प्रिंट होती हैं। और फिर ये साथ ही जो दूसरा हॉल है वहाँ पर सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टन के अंदर इसको पैक किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा, टेट्रा पैकेजिंग हो या इकोलीन, दोनों जो है वो दूध को या जूस को सिक्योर रखती है। टेट्रा पैकेजिंग के लिए ख़ास तौर पर उसकी 6 लेयर्स हैं। ये जो डब्बे का दूध है ये 3-4 महीने तक क्यों ख़राब नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस पे किसी भी किस्म की बाहर की एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करती। हमने आपको दिखाया कि मिल्क कलेक्शन से लेकर यहाँ तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड और क्लोज एनवायरनमेंट में सारा प्रोसेस हो रहा है, किसी किस्म की कोई धूप, सनलाइट, बैक्टीरिया इस पे अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वंस आप इस पैक को खोल लेंगे तो फिर जिस तरह एक आम दूध या आम जूस जो है वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, वैसे ही ये दूध भी ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, ना सिर्फ एसेप्टिक प्रोडक्ट होती है बल्कि पैकेजिंग भी एसेप्टिक होती है। और दोनों पैकेजिंग की मशीन जो हैं डिफरेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर पैक हो रहा है। जब सेकेंडरी पैकिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वेयर हाउस में आपको दिखाते हैं कि कितना स्मार्टली और सोफिस्टिकेट प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। आइए, है हनी फूड लिमिटेड का वेयर हाउस एंड लुक एट द ग्रैंडियर, कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको स्टैक किया जाता है और पूरी एक साइंस है इसके पीछे, किस तरीके से कौन कौन से इलाकों में जो प्रोडक्ट जाएगी। सो अलग अलग स्टैक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस तरह के 3 वेयर हाउसेज जो है इस प्लांट के साथ हैं, जहाँ ना सिर्फ ये फाइनल प्रोडक्ट जो ना सिर्फ मिल्क है, जूस है, इसके अलावा देसी घी है, क्रीम है, जितनी भी ये एसेप्टिक प्रोडक्ट्स जरासीम से पाक खालिस प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको इन कंट्रोल वेयर हाउसेस के अंदर स्टॉक करते हैं। इसके साथ साथ इनका जो पैकेजिंग का मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको भी अलग अलग जगह पर स्टॉक किया जाता है। और यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, चाहे गवादर हो या फिर कराची या फिर गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, जहाँ पर भी आप जाएँगे आपको हलीब की प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ पर नज़र आएगी। लेकिन ये प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारा फ़ख्र हैं। फाइनली हम मौजूद हैं हलीफ फूड्स लिमिटेड की सेंसरी लैब में और आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल में आपको दिखाया किस तरीके से हलीफ फूड्स लिमिटेड जो है मिल्क कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और सिर्फ मिल्क ही नहीं बल्कि ये बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स बना रहा है, जिस तरह टी वाइटनर्स हैं, जूसेस हैं, क्रीम है, बटर है, ये तमाम तर हाइजेनिक
खाने की एडिबल प्रोडक्ट्स जो है ये हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस सेंसरी लैब के अंदर इंटरेस्टिंगली चार चीज़ों से क्वालिटी चेक किया जाता है। सबसे पहले तो विजुअली चेक किया जाता है, इसकी पैकिंग जो है वो देखने में सही है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं। फिर इस प्रोडक्ट का अरोमा, इसकी खुशबू कैसी है, क्योंकि खाने की चीज़ है, अगर उसकी खुशबू अच्छी नहीं तो आप कैसे खाएंगे। और फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, इसका जायका ठीक है। और फिर आफ्टर टेस्ट, इसके अंदर आपने कहीं जूस पिया या दूध पिया तो आपका मुँह कड़वा तो नहीं हो रहा, अगर किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो प्रोडक्ट को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि कंज्यूमर तक खालिस हाइजेनिक चीज़ जो है वो पहुंचे और वो इन चीज़ों से ना सिर्फ सही मानों में ग़िज़ाइयत ले सके, इनको इंजॉय कर सके। सो आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया किस तरीके से हलीब जो है खालिस दूध जो है उसको कलेक्ट करता है और फिर उसको एक बड़े ही एसेप्टिक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए जो है प्रोसेस करके टेट्रा पैक के अंदर हम तक पहुंचाता है। और ये दूध जो है ये ना सिर्फ खालिस है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंगली आज ये सेंसरी लैब का सारा प्रोसेस जो है वो हम आपको करके बताएंगे कि ये प्रोडक्ट्स कैसी हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, हलीब का दूध जिस पे हमें यकीन है कैसा है, आइए बिस्मिल्लाह। फुल क्रीमी, जिस तरह के इन्होंने हमें दिखाया कि पैस्टराइजेशन के प्रोसेस में होमोजेनाइज होता है, जो बलाई हम आमतौर पर समझते हैं कि वो इसमें नहीं आती, वो इसमें मिक्स हो गई होती है। तो आपको हर घूंट में जो है ना सिर्फ दूध पीने का मज़ा आएगा बल्कि वो ग़िज़ाइयत जो है वो इसके एक एक घूंट के अंदर रच बस जाती है। तो उसको ख़त्म करते हैं और फिर आगे और भी प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं। वाह, ये वाकई बहुत ही मज़ेदार है और वाकई अल्लाह की एक नेमत है जो हम तक पहुंचा रहे हैं खालिस दूध, ना सिर्फ हलीब की पैकिंग में बल्कि असली की पैकिंग में भी। और इसके अलावा अब ये इकोलीन पाउच पैक्स में भी आ रहा है ताकि आप इसको आसानी से स्कूल जाते हुए, जॉब पे जाते हुए इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये टी वाइटनर्स भी बना रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ, जिसमें क्वीन है, टी मैक्स है, ऑल मैक्स है। और इस ये जो पैकेजिंग है ये भी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही है, जो आपकी चाय के मज़े को दुबाला कर देती है। साथ ही साथ हलीब जो है बहुत ही मज़ेदार जूसेस बना रहा है और ये फ्रूट पल्प से जूस तैयार किया जाता है। इनके जस्ट फ्रूट के नाम से और चौसा चौसा ट्रॉपिको के नाम से जो है दो जूसेस हैं। ये जो चौसा है ये प्रीमियम जूस है इनका, जिसमें तकरीबन 35% जो है ओरिजिनल फ्रूट का पल्प इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये भी बहुत गाढ़ा है, तो उसको भी ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। यानी कि पूरे साल में आम का मौसम हो ना हो, आप चौसे का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा चौसे के अलावा जो है एप्पल का ड्रिंक भी है इनका, और वो भी बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। उसका एरोमा भी बहुत अच्छा है, जो सेब की एक खुशबू होती है वो हमें जो है वो सूंघने को मिल रही है। और अब इसको भी टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट। सो ये जूसेस ही नहीं बना रहे बल्कि जूसेस के अलावा क्रीम, फुल क्रीम, ये जो कि हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा क्रीम यम के नाम से भी ये क्रीम बना रहे हैं और बटर बना रहे हैं। तो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स भी इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई की जा रही हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये प्रोडक्ट्स ये हमारा फ़ख्र है, हमारा प्राइड है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को ओन करें, ना सिर्फ ख़ुद इस्तेमाल करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट करें, इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, उन तमाम तर लोगों को फ़ायदा होगा जो इनके साथ मुंसलिक हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।